हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज की बुक समरी है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। इस समरी में आप जानेंगे कि सफलता हासिल करने के लिए एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है और पॉजिटिव रहना तो जरूरी है ही, पर अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ऐसा सोच रखनी होगी जो रियलिस्टिक हो और लोगों से कनेक्ट कर सके। इस बुक में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल और सलाह दी गई है, इनको अपना कर आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो लोग आमतौर पर कर जाते हैं और आसानी से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस समरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। इस समरी में टोटल 4 लेसन्स है, तो आइए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, जो लोग कुछ बड़ा सोचते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और जानते हैं कि दूसरों के साथ कनेक्ट करना कितना जरूरी है। दुनिया के सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन है, सभी लोगों से अलग हटकर सोचते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हालांकि यह रास्ता अकेले तय करना पड़ सकता है, हम समाज में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बने बनाए नियमों और चल रही प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं तो अकेले पड़ जाने का खतरा होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोई ऐसा सोचता तो क्या दुनिया में इतनी तरक्की हो पाती? कॉपर निकल के यह कहने पर कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, न जाने कितने लोग इनके खिलाफ हो गए। हालांकि आज हम उनके आभारी हैं कि वो अपनी बात पर डटे रहे। इससे हम यह समझते हैं कि सफलता के लिए कुछ नया सोचना और अपनी बात से न डिंगने की क्वालिटी कितनी जरूरी है। जॉन ये कहते हैं कि इसके लिए आपको आइंस्टाइन या गैलीलियो बनने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है। इसके लिए बस थोड़ी टेक्निक और अभ्यास की जरूरत है। आखिर एक समय पर तो आइंस्टाइन और गैलीलियो भी एक आम लोगों में से थे। जनरल इलेक्ट्रिक के CEO जैक वेल्च हमेशा अपने कर्मचारियों को यह समझाते हैं कि सेल्स टारगेट अचीव करने से कहीं जरूरी है अपने ग्राहकों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ा फायदा पाने के लिए कभी कभी छोटे फायदे इग्नोर करने पड़ते हैं। लेकिन आप यह अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? लगातार सीख कर। जो लोग एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं उनमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने की चाहत रहती है। ये नई नई जगह घूमते रहते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नई स्किल सीखते हैं। जॉन के पास इसका बड़ा आसान तरीका है। अपने दिन भर की शुरुआत से अपना शेड्यूल देखकर जॉन इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज दिन भर में क्या सीखा जा सकता है और खुद को उसके मुताबिक तैयार कर लेते हैं। एक बार वे नेशनल फुटबॉल लीग के कोच डेव के साथ डिनर कर रहे थे। उन्होंने इस पूरे वक्त में डेव से टीम वर्क से जुड़ी बातें की और एक नया नजरिया लेकर वापस लौटे। इस तरह आप भी रोज कुछ नया सीख सकते हैं। इसके लिए आपको न अलग से वक्त निकालना है और न पैसे देने हैं। बस आप रूटीन पर नजर डालिए और सोचिए कि आपके पास आज के दिन में क्या मौके हैं। ये तरकीब आपके बहुत काम आ सकती है। इससे आपको यह जानने और समझने का मौका मिलता है कि दूसरे लोग किस तरह सोचते हैं। एम्पैथी के लिए ये सबसे जरूरी है। इससे आपको रिश्ते भी बेहतर बनते हैं, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपका लाइफ पार्टनर, बच्चे, दोस्त, क्लाइंट, ये सब आपसे क्या चाहते हैं। अब आप सिर्फ अपने नहीं दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं। लेसन नंबर 2, अपने लिए ऐसे टारगेट सेट कीजिए जो रियलिस्टिक हो और उनको पूरा करने में जुट जाए। रियलिस्टिक क्या होती है, इसका कोई फिलोसफिक जवाब मत सोचिए। सरल शब्दों में रियलिटी आपकी चाहत और व्यवहारिकता का अंतर भर है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिस्टिक सोच को अपनाना होगा। एक बिजनेसमैन का उदाहरण लीजिए जो रियलिस्टिक तरीके से नहीं सोचता है। वह अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी अच्छी बात है, पर यहाँ समस्या यह नहीं है कि उसके पास कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव रहकर वो अपनी कंपनी को बचा सकता है? आखिरकार वो एक खराब लीडर साबित होता है। इसके विपरीत रियलिस्टिक थिंकिंग आपको एक बेहतरीन लीडर बनाती है। यानी अगर आप रियलिस्टिक होकर सोचते हैं तो न सिर्फ अपने लिए सही गोल सेट कर पाते हैं बल्कि उनको पाने के लिए सही प्लान भी बनाते हैं। इस तरह आप चीजों को आसान करते जाते हैं, आपके ऊपर ढेर सारी उलझनों का बोझ नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्वाभाविक तौर पर एक रियलिस्टिक न होकर ऑप्टिमिस्ट है तब क्या करना चाहिए? तब आपको होमवर्क करने की जरूरत है। यानी तब आप अपने टारगेट के हर पहलू को स्टडी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इकट्ठे कीजिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस लीडर हैं जो अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहे हैं
एक बार सोच के देखिए कि अगर आपके फंड खत्म हो जाए या कस्टमर आपको पेमेंट ना करे या फिर मार्केट ही ठप हो जाए तब आप क्या करेंगे। इन सब की संभावना पर अच्छी तरह से स्टडी करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कीजिए, वरना आपकी रियलिस्टिक सोच भला किस काम आएगी। आपको प्रियोजेटिक नहीं होना, इससे आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग पर बुरा असर पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर आइडिया आपको खुद ही आ जाए, अपने आसपास के लोगों को देखकर आप सीख सकते हैं कि उन्होंने इस परिस्थितियों में क्या किया है। ऑथर जॉन ने भी कई बार ऐसा ही किया है। क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। आप चाहे जो भी काम करते हो, आपकी क्रिएटिविटी आपका सक्सेस फैक्टर साबित होती है। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से बढ़कर होती है। उनकी बात सही थी। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी पोस्ट या डेजिग्नेशन से ज्यादा आपके आइडियाज मैटर करती है। आइंस्टाइन एक जीनियस थे, उनकी क्रिएटिव सोच उनके स्वभाव का हिस्सा थी। हालांकि हर इंसान इस क्वालिटी के साथ जन्म नहीं लेता, पर कुछ तरीके हैं जो आपको ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नए आइडियाज का भंडार है। अगर आप किसी चीज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी ही है। क्रिएटिविटी लोगों की यह पहचान है कि वो संभावनाओं पर ध्यान देते हैं, धीरे धीरे उनका दिमाग ट्यून होने लगता है और इमेजिनेशन निखर जाती है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो खुद से पूछकर देखिए कि आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। यानी आपके पास मछली पकड़ने का जाल हो तो आप मछली पकड़ सकते हैं, पर अगर जाल का आकार बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ में आएगी, है ना। जो लोग रियलिस्टिक होकर सोचते हैं वो किसी एक ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते। इनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ढूंढकर उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चुना जाए। इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके पास बैकअप प्लान भी तैयार रहता है। क्रिएटिव थिंकिंग आपको ज्यादा डिजायरेबल बनाती है। क्रिएटिव आपकी इंटेलिजेंस का एक फिन मोड है। अगर इसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब यह निकलता है कि आपको क्रिएटिव बनने के लिए साइंटिस्ट या आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बिना एफर्ट लगाए जो आइडिया आपको आने लगे वही आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप खुश होते हैं तो इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। लियोनार्डो दा विंची इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनको कितने आइडियाज आते थे, उन्हें उन सब पर काम किया। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, संगीत, इंजीनियरिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। रियनाइसेंस की वो जीती जागती मिसाल थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तस्वीरें बनाएं या हेलीकॉप्टर डिजाइन के बारे में सोचने लगे। बस रिलैक्स होकर दिमाग को उसका काम करने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। लेसन नंबर 3, सफलता पाने के लिए सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा कि किस तरह क्रिएटिविटी आपकी राह आसान बना देती है, इसके अलावा एक और चीज है जो आपकी बहुत मदद करती है, निस्वार्थ भाव से काम करना। अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता की नई परिभाषा बना सकते हैं। किसी की मदद करने का फल हमेशा अच्छा होता है, इससे आपको बहुत सुकून मिलता है। जरा एक दिन बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करके देखिए कि आपको रात को कितने चैन की नींद आती है। यहाँ आपको अल्फ्रेड नोबल के जीवन से जुड़ी एक घटना जानना जरूरी है। एक दिन अखबार में वो अपनी मौत की खबर देखकर हैरान रह गए। ये खबर छपी तो गलती से ही थी, पर इसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उस खबर में लिखा था कि किस तरह अल्फ्रेड नोबल का बनाया डायनामाइट हजारों लोगों की जान ले रहा था। यानी अल्फ्रेड इन मौतों के जिम्मेदार थे। यह पढ़कर उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उनके जाने के बाद लोग इसी तरह एक हत्यारे के रूप में उनको याद रखेंगे। उन्होंने इसे बदलने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए कि दुनिया उनको एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करे। उन्होंने अपने कमाए पैसों से एक ट्रस्ट बनाया और इस तरह 1895 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र जैसे बहुत से क्षेत्रों में दिए जाते हैं कि किस तरह आप चीजों को सही कर सकते हैं। आज लोग अल्फ्रेड नोबेल को एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि बहुत सम्मान से याद करते हैं। फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन मैर्क एंड कंपनी ने भी 80s में कुछ ऐसा ही किया था। कंपनी ने सोचा कि वो प्रॉफिट कमाने से अलग हटकर कुछ करे। उस वक्त रिवर ब्लाइंडनेस से लाखों लोग प्रभावित थे। इसका इलाज मिलने के बाद कंपनी ने यह दवा मुफ्त में देने की शुरू कर दी। इस बीमारी का प्रकोप विकासशील देशों में ज्यादा था
और इन लोगों के लिए दवा खरीदना बड़ी बात थी। कंपनी का यह कदम इस बात का गवाह बन गया कि कंपनी खुद के मुनाफे से ज्यादा लोगों की परवाह करती है। इस इमेज ने कंपनी को बहुत लाभ पहुंचाया। इस लेसन में आपने सीखा कि जब आप दूसरों की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं तो आपकी बेहतरी अपने आप होने लगती है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो भेड़ चाल से बचिए। हम अक्सर उस बात को अच्छा और सही समझ लेते हैं जिसे मेजॉरिटी सपोर्ट करती है। अगर आप भीड़ से हटकर चलते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, और अगर भीड़ के साथ चलते हैं तो कहीं नजर नहीं आते। अब क्या करें? अब वापस कपर निकल्स वाली बात पर आते हैं। सभी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका मानना था कि सूरज समेत सभी ग्रह धरती का चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इसे इनकार करता तो उसे पागल कहा जाता। फिर 16वीं सदी में कपर निकस आते हैं और ये साबित करके दिखाते हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। पुरानी सोच को समय समय पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है। जोसेफ लिस्टर ने जब तक एंटीसेप्टिक मेथड के बारे में नहीं बताया था तब तक सर्जन्स यही मानते थे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को धोने की जरूरत नहीं है। एक आम पढ़ा लिखा इंसान भी जानता है। हम भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को सुरक्षित समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर इतने सारे लोग कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें ताकि हमें फायदा हो, पर इतिहास गवाह है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। तो आखिर दूसरों पर डिपेंडेंसी को दूर कैसे किया जाए? इसका एक आसान तरीका है कि आप लोगों को फॉलो करने से पहले कुछ पल रुकिए और सोचिए कि इसका आप पर क्या असर होगा। आप जब ये समझने लगते हैं कि आपको बेस्ट आइडिया और पॉपुलर आइडिया में से बेस्ट आइडिया चुनना है तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। 9/11 की घटना से लोगों में फ्लाइट से ट्रेवल करने या न्यूयॉर्क जाने को लेकर डर बैठ गया था, यानी उस वक्त ये एक पॉपुलर आइडिया था। लेकिन ऑथर ने यह दूसरे एंगल पर गौर किया। उस वक्त न्यूयॉर्क की फ्लाइट के दाम बहुत कम हो गए थे, सिक्योरिटी लेवल बहुत बढ़ा दिया गया था, होटलों के किराए और थिएटर टिकट के दाम मामूली थे, यानी ऑथर के हिसाब से ये घूमने फिरने का बेस्ट समय था। इसीलिए एक महीने के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क ट्रेवल प्लान किया और इतने बेहतर ढंग से इंजॉय किया जो आम दिनों में कीमतों की वजह से करना पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह साफ है, उन्होंने पॉपुलर आइडिया की जगह बेस्ट आइडिया चुना। लेसन नंबर 4, नए नए लोगों से मिलिए ताकि आप उनके विचारों को समझकर अपनी सोच को डेवलप कर सकें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत दो ही तरीकों से होती है, या तो खुद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसे उस स्किल का पता हो ताकि वो उसके बारे में आपको अच्छे से समझा सके। अगर आप पहला तरीका अपनाने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। चाहे आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीखना चाहते हो या कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक्सपर्ट पर्सन से सीख ले। आपने सुना है ना, एक और एक 11 होते हैं। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि अभी तक तो भीड़ से हटकर कुछ करने की बात हो रही थी और अब जुड़कर काम करने का महत्व समझाया जा रहा है। और तो और जितने महान विचारक हुए हैं सब एक इंडिविजुअल की तरह सोचते थे, न कि ग्रुप में। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी इनोवेशन हुए हैं ज्यादातर टीम वर्क का ही नतीजा है। आइंस्टाइन भी अक्सर कहा करते थे कि उनकी खोज के पीछे बहुतों की मेहनत है। वैज्ञानिक कपल पियरे और मैरी क्यूरी या म्यूजिक जीनियस पॉल मैककार्टनी की जोड़ी का उदाहरण ले लीजिए। जब लोग आपस में जुड़कर अपने अपने आइडियाज मिलाते हैं तो क्रिएटिविटी लेवल एक्सपेंशनल होता है, लेकिन इसके लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए? जेफरी जे फॉक्स, जिन्होंने हाउ टू बिकम CEO किताब लिखी है, ये कहते हैं कि आपका फोकस आइडिया पर होना चाहिए ना कि सोर्स पर। यानी एक कैब ड्राइवर और छोटा बच्चा भी आपको कोई काम की बात बता सकता है। अगर आप प्रेजडिक बने रहेंगे तो कभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पर सोचना है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है लोगों के साथ मिलकर काम करना, ना कि उनको पीछे ढकेल कर आगे बढ़ जाना। इस बात का ध्यान रखिए और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो आइए आप समरी के कंक्लूजन पर आते हैं। सफलता आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बहुत मदद करती है, पर इसके अलावा भी आपको काफी कुछ सीखना चाहिए। आप जब बिना किसी स्वार्थ के काम करने लगते हैं तो आपको खुशी मिलने लगती है। यानी सिर्फ अपना भला ही मत सोचिए, सबको साथ लेकर चलिए।
भीड़ से हटकर कुछ सोचना आपकी क्रिएटिविटी है और इस तरह आप सफलता के रास्ते पर चलने लगते हैं। आप सिर्फ एक दिन पर नहीं अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। ज्यादातर लोग सिर्फ अगले दिन के बारे में सोचकर जीते हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं आता है कि एक महीने बाद या एक साल बाद वे किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। इसलिए सफलता उनसे दूर रहती है। इस रवैये से बचिए। आने वाले कल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग करिए। अपना काम, परिवार, दोस्त सबके लिए एक वक्त तय कीजिए। इस तरह आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आप खुश भी रहेंगे। तो ये समरी यहीं समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। हम आपकी बताई गई समरी को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।